तो अभी दोस्तों क्या होने वाला है, जो अभी मैचेस खेलेंगे आप 19 तो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल डायमंड स्टोन गेमिंग। मैं हूँ DSGADV360। और सबसे जो बड़ा इवेंट 19 तारीख को आने वाला है, उसके पहले एक छोटा सा इवेंट आ चुका है हमारे इधर, तो वो इवेंट मैं करने जा रहा हूँ रिवील। तो देखना बढ़िया से कि कहाँ पे क्या है वो इवेंट में, जिसमें आपको मिल सकता है एक बढ़िया सा फीमेल बंडल और एक कैरेक्टर। तो देखते हैं दोस्तों उसमें क्या होता है। तो उसमें नॉर्मली हमें जाना है न्यूज़ पे, न्यूज़ पे जाने के बाद फेडेड व्हील रिटर्न्स, फेडेड व्हील वाला इवेंट को आपको करना है कैप्चर। तो इसमें दोस्तों बहुत सारे चीज़ है जिसमें आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लोअर और गोल्ड एक्सपेंशन पासेस को मैंने करके रखे ब्लॉक। तो पहला आपका स्पिन होगा 9 डायमंड पे, उसके बाद आएगा 19, 29, ऐसे करके बढ़ता ही जाएगा, ये सबको मालूम है। तो मैं अपना लक ट्राई करने वाला हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं ज़्यादा लक ट्राई नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को इसमें नसीब तो बहुत ही खोटे निकलता है। तो मुझे लगता है पहला जो मुझे स्पिन में मिलेगा या तो नेम चेंज कार्ड या तो लेवल 4 का कार्ड। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो चलिए मैंने अपना कर दिया पहला विल। तो एज एक्सपेक्टिंग जूता, ओहो। तो देखते हैं दोस्तों 29 में क्या मिलता है। तो मुझे गन की स्किन चाहिए और कैरेक्टर बंडल जो भी मिल जाए तो बढ़िया है। मुझे एड्रेस मिला है, मतलब लूटने वाला है, बराबर लूटने वाला है। अभी तो मिल जाए गन की स्किन, नेम चेंज कर, मतलब लास्ट में मिलेगा आपको, लास्ट में मिलेगा बराबर। अभी मिलेगा यूनिवर्सल फ्रेगमेंट। भाई इतना बर्बाद कौन करता है। भाई साहब 300 डायमंड वेस्ट हो गया। रहने देता हूँ दोस्तों, 650 डायमंड में आ गया, 300 डायमंड कर दिया मैंने अपना वेस्ट, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। तो मैं और इससे आगे स्पिन नहीं करने वाला हूँ। तो दोस्तों क्षमा करना, और स्पिन नहीं कर सकता मैं, इसमें बहुत सारे वेस्ट हो गया। तो MP40 का क्रेट में देखते हैं दोस्तों क्या मिल जाता है इसमें। तो 6 टाइम स्पिन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है डायमंड का। 650 आ गया, 995, मतलब कुछ 350 डायमंड मैंने वेस्ट कर दिया, लेकिन उसमें मुझे कुछ नहीं मिला। तो दोस्तों कोई बात नहीं, अभी देखते हैं एक क्रेट मिला है, वो क्रेट में मुझे क्या मिलता है। तो MP40 का एक क्रेट है, सिंगल डैमेज डबल एक्यूरेसी का। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या होता है। एक क्रेट मिला है, तो इसमें परमानेंट है, 7 डेज है, 3 डेज है, 40 आवर्स, 24 आवर्स है। तो मुझे लगता है 24 आवर्स मिलने वाला है, लेकिन देखते हैं दोस्तों क्या होता है। 3 डेज का मिला है, तो इक्विप नहीं करने का, क्योंकि मेरे पास MP40 का इससे बेहतर का स्किन है। तो एक छोटा सा वेस्ट हो गया डायमंड्स का। तो ये फेडेड व्हील का चक्कर दोस्तों डेंजरस है, तो इसको ना करें जितना उतना ही बेहतर है। अभी देखते हैं एक और इवेंट आया, जो कि बहुत बहुत ही बढ़िया इवेंट है, जो कि मैं दिखाने जा रहा हूँ। एक मिनट, इवेंट है ये वाला, मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट ड्रॉप्स आफ्टर एवरी मैच। तो अभी दोस्तों क्या होने वाला है, जो अभी मैचेस खेलेंगे आप 19 अप्रैल को। तो ये बात ध्यान में रखिए कि 19 अप्रैल को ही है ये मैच। जो भी मैच आप खेलोगे 19 अप्रैल को, उस मैच के बाद को आपको मिलेगा मैजिक क्यूब का ड्रॉप, मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट का, जिसमें आपको मिल सकता है मैजिक क्यूब। तो ज़्यादा से ज़्यादा 19 अप्रैल को मैच खेलिए, संडे का मज़ा लीजिए, भरपूर मैच खेलिए, और अपना दोस्तों को बोलिए कि मैच खेले ज़्यादा और मैजिक क्यूब आपको मिल सकता है। तो एक बढ़िया चीज़ है कि एक मैजिक क्यूब मिल जाएगा आपको फ्रेगमेंट से। तो फ्रेगमेंट्स का हो रहा है ड्रॉप, तो ये इवेंट जो है बहुत ही अच्छा इवेंट है, तो इसको कंफर्म करिए। और उससे साथ भी बहुत सारे चीज़ें होने वाले हैं 19 अप्रैल को, जैसे मैंने बताया था 19 और 20 को रेड एग आने वाला है, और
उसके साथ एक कॉल बैक इवेंट भी है। आप दोस्तों को जो जो प्लेइंग नहीं करते ज़्यादा उसको थोड़ा कॉल बैक करिए। कॉल बैक करने के बाद आपको एक वेपन रॉयल वाउचर और एक फार्मर्स का गन स्किन फ्री में मिलेगा। और अपना दोस्तों आएंगे तो उनको एक कैरेक्टर और उसके साथ रफेल का कैरेक्टर, उसके साथ रिवरफुल का कार्ड मिलेगा। तो दोस्तों ये चीज़ भी इवेंट भी बहुत अच्छे है। तो संडे का भरपूर मज़ा लीजिए और इवेंट को कैप्चर करिए। और आपको पता ही ये सारी चीज़ मैंने अपना पिछले वीडियो में दिखा चुका हूँ कि क्या क्या मिलने वाला है, गन स्किन कैरेक्टर वगैरह मिलने वाला है। तो ये चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे इवेंट्स 19-20 को आने वाला है, तो इसको मिस मत करिए। और सबसे जो बड़ी बात है, एक DSG आर्मी की तरफ से एक गिल्ड का रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपको गिल्ड में आना है तो अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका रिक्वायरमेंट दिया हुआ है और इसका फर्स्ट कमेंट में भी इसका रिक्वायरमेंट दिया हुआ है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगे। अगर आप एलिजिबल हो तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक के लिए देखते रहिए डायमंड स्टोन गेमिंग। बाय बाय।